ये मूर्ति कैसे आप चुराएं, कैसे क्या कर घटना को अंजाम दिया? सर जो हमें लाइन में उतारा है यहाँ पे नहीं है, है तो गांव में है। वह बोला कि अनिल एक काम करो, मैं बोला हाँ भाई मैं करूँगा। तो बोले यार कहीं मूर्ति लाओ, इतना पैसा मिलेगा? मैं बोला सच में, बोला हाँ। तो हम लोग मैं यहाँ पे था, पहले सुगर चलाता था बचपन में, तो मुझे 15-15 साल हो गया, तो मैं चला गया गाँव। तो मैं 10-12 साल केरला था, तो वहाँ पर पान बेचता था, तो पान बेचता था। वहाँ पर पुलिस वाले लोग दुकान बंद करा दिए, दुकान बंद करा दिए, रोजी रोजी चली गई। मैं घर पे मैं बस बाग लेता हूँ, सिंघाड़ा डालता हूँ, यही फल वल वगैरह बेचता हूँ। तो ये लोग मतलब ये हमारे जितने डिपार्ट ये लोग हैं, ये लोग सब खोजते थे मूर्ति। तो मुझे बोले कि अनिल भाई कहीं मूर्ति तुम्हारी नज़र में? बोला हाँ भाई है, तो मेरे ननिहाल के पास है। तो ये लोग बोले कि तुम जाओ चेक करो। मैं आया यहाँ पे, मैं यहाँ पे आया, चेक नहीं किया, मैं बोल दिया भाई है। तो ये लोग बोले नहीं तुम सही से चेक किया। मैं बोला हाँ यार है, अब तुम लोग जाओ चेक करो। तो ये लोग मुझे लेके आए चेक करने के लिए, विपिन भाई पाचू भाई अंदर हल्ले, ये लोग चेक नहीं कर पाए। मैं हाँ कितने में तय था मूर्ति तुम्हारे? मूर्ति पैसे में मूर्ति तय नहीं थी, मूर्ति का वो विपिन भाई बोले थे तुम लेके आओ, मैं तुमको पैसा दे दूँगा, आराम से ऐसा करना। जो हकीकत ये मैं बता रहा हूँ, हाँ कितना करो? ये 10-15 करोड़। कितना? 10-15 करोड़। अच्छा, तो बोले कि तुमको इतना हम लोग बांट लेंगे तो कुछ काम हो जाएगा। तो मैं ये लोग मुझे बुलाएं कप्तान में, तो कप्तान मैंने बुलाए तो बोले कि क्या होगा? मैं बोला भाई क्या होगा, तुम लोग गए थे चेक तुम लोग किए हो, मुझे मेरे ऊपर विश्वास मत करना, तुम चेक किए हो तो चलो। तो ये लोग बोले भाई चेक तो मैंने किया। मैं बोला भाई मुझे फिर बाद में ऐसा मत बोलना कि मतलब तुम झूठ बोल रहे हो या सही उठवा रहे हो। मैं बोला तुम खुद दिमाग लगा दो। तो ये लोग बोले चलो उठेगा। तो फिर मैं आया घर पर, घर से फिर लोग बुलाया वहाँ पर कप्तानगंज में विपिन भाई के बाग में, प्लानिंग बनी कि कैसे उठाया जाए। मैं बोला कि कैसे उठाया जाए, तो तुम लोग सब देख ही लिए हो रास्ता कैसे कैसे उठाने का है। तो हम लोग वहाँ से फिर आए। किस चीज़ से? गर्चा पे या गाड़ी से? कौन गाड़ी थी? गाड़ी किस किस विपिन की। तो हम लोग वहाँ से आए तो गाड़ी साइड में खड़ा कर दिए, वो जो चौतरा है वहीं पे जहाँ रामलीला होता है वहीं पे खड़ा कर दिए। तो वहाँ से हम लोग पाछे से गए, तो पाछे गए तो दीवार कूद के पहले वो केवट गया, फिर पाचू, फिर मैं, फिर एक रिंकू भाई, लोग हम लोग गए। तो गए तो वहाँ पे गए पहले तो आड़े लोग गए, केवट गया, केवट 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 गया, तो वो गबजे बाबा का दोनों हाथ पकड़ लिया, दोनों हाथ पकड़ लिया। तो हम लोग भी गए, तो मैं भी पकड़ा, मतलब सब चार आदमी पकड़ लिए बाबा को पकड़ के। तब बाद में पहले टेप मार दिए मुँह में, पूरा टेप मार के तो हम लोग सामान उठा लिए। कितना मूर्ति थी उठा के लाए? छः मूर्ति थी। फिर कहाँ ले गए मूर्ति चुरा कर? मूर्ति लेके गए कप्तानगंज। अच्छा, विपिन के घर पे, तो वहाँ पे रखी गई।